बोलता बिहार न्यूज मीडिया में आपका स्वागत है। अपने परिवार के साथ गंगा स्नान करने आए युवक गंगा में डूबा, तलाश जारी। तेगरा के अयोध्या मिथिला गंगा धाम घाट पर रविवार को अपने परिवार के साथ गंगा स्नान को आए करीब दिन के 11 बजे परिवार के लोग के साथ गंगा स्नान कर रहे युवक स्नान के क्रम में ही गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे। मौके पर स्नान कर रहे परिजनों एवं अन्य लोगों की नज़र डूब रहे युवकों पर पड़ी, लोगों ने शोर मचाया। लोगों ने युवक को बचाने का प्रयास किया लेकिन युवक का कोई सुराग नहीं मिल सका। उक्त युवक का पहचान समस्तीपुर जिला के ताजपुर प्रखंड के कस्बे आहार गांव निवासी दिनेश यादव के 27 वर्षीय पुत्र के रूप में किया गया। ऋषि कुमार दो भाई में छोटा था, ये दिल्ली एम्स में फार्मासिस्ट था जो विगत 2 साल से नौकरी कर रहा था। ये अपने बड़े भाई और बहन तथा माता के साथ गंगा स्नान करने आया था। वही आंखों के सामने जवान बेटे को गंगा में समाते देख माता एवं परिवार का रो रो कर हाल बुरा है। गंगा घाट पर पूरा हजारों लोगों की भीड़ जमी हुई है। अंचलाधिकारी रविशंकर कुमार एवं स्थानीय लोगों के प्रयास से तत्काल स्थानीय गोताखोर को लगाया गया है। गोताखोर युवक की तलाश में जुटे हैं। समाज सेवी भाजपा नेता विवेक गौतम ने बताया कि गंगा धाम घाट पर स्नान के लिए हर समय श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है, लेकिन घाट के कुछ दूरी पर ही बहुत गहरी पानी है। इस पर प्रशासन और सरकार को उचित प्रबंध करनी चाहिए ताकि कोई भी श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने के बाद स्वयं कुशल घर जा सके। तेगरा से अशोक कुमार ठाकुर की रिपोर्ट। परिवार के साथ लोग आए थे स्नान के दरमियान में ही दोनों दो भाई साथ में स्नान कर रहे थे और स्नान करने के दौरान ही गंगा में अधिक पानी गहरी पानी में जाने के कारण डूब गया है। स्थानीय गोताख पर हम लोग लगवाए हुए हैं और दिन झारू NDRF को भी कवर कर दिए हैं। स्थानीय प्रशासन को भी हम लोग कवर कर चुके हैं और यहाँ खोजबीन जारी है। मृतक जो ताजपुर समस्तीपुर ताजपुर उनके साथ और भी कोई लोग थे? पूरा परिवार है, माता पापा जी नहीं आए थे लेकिन पूरा परिवार।